तो इस वीडियो में बात करेंगे, पहला प्लान बी होता क्या है, दूसरा क्यों जरूरी है प्लान बी, तीसरा जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, इन सब में रहते हैं, 5-6 साल तैयारी करने के बाद में कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके क्या ओपिनियन है, चौथा प्लान बी के क्या क्या ऑप्शन हैं, पांचवा किन एस्पिरेंट्स को आईएएस की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और छठवा प्लान बी किन किन को जरूर रखना चाहिए। यह वीडियो डिमोटिवेशन के लिए नहीं है, आपकी आई ओपनिंग के लिए है। आप किसी को भी मूर्ख बना सकते हो लेकिन खुद को मूर्ख नहीं बना सकते। दूसरी चीज, आधा ज्ञान काफ़ी खतरनाक होता है, तो वीडियो को पेशेंसफुली लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो हमने बात करी है वो आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के बेहतर के लिए, तो वीडियो को पेशेंसफुली देखना, तब अपना ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स में बताना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज बिजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो पहला पॉइंट, प्लान बी क्या होता है। देखो, प्लान बी का मतलब है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिसकी भी कर रहे हो, इसके साथ में किसी अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो प्लान बी कहलाता है। जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको नहीं पता होता, इसलिए हमने सोचा पहले बता दें। आप इसके साथ में दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, उनके भी एग्जाम वगैरह दो, अगर उसमें जॉब वगैरह लगती है तो जॉब, उसकी जॉब लेके आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते रहो, ये प्लान बी है। ये क्यों जरूरी है, देखो जरूरी होने के पीछे हमारा ये नहीं है रीजन कि एग्ज़ाम टफ आया है आपका प्रीलिम्स का और उसमें आप फेल हो गए हो, ये सिर्फ एक रीजन है। तो हम ये नहीं बोल के चल रहे कि आपका पेपर टफ है तो आपको प्लान बी रखना चाहिए। पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। कट ऑफ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना, ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी का तो उतने सिलेक्शन लेने हैं ना, चाहे ईजी हो जाएगा तो भी वो ऊपर ऊपर वाला ले लेंगे, टफ होगा तो भी ऊपर ऊपर वाला ले लेंगे। और कितना भी एग्जाम टफ बना दो, एस्पिरेंट जो पढ़ने वाले होते हैं दमदार होते हैं, वो आराम से पढ़ते हैं और हर एक एग्जाम को पढ़कर क्रैक करते हैं। पढ़ने में कमी नहीं है, हार्डवर्क में कमी नहीं है, कमी है सक्सेस रेट। सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका सक्सेस रेशियो, सक्सेस रेट। आप जानते हो हर साल करीब करीब 5.5 लाख, 5 से 5.5 लाख एस्पिरेंट यूपीएससी के पेपर में बैठते हैं, 12-13 हज़ार प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, जिनमें से 1000 से 800 एस्पिरेंट्स का इसमें सिलेक्शन होता है। उनमें से भी सिर्फ 180 आईएएस बनते हैं, बाकी 200 के आसपास करीब आईपीएस बनते हैं और आईआरएस वगैरह, यानी कुल मिला के अगर हम ठीक से देखें तो करीब 400 जॉब भी ऐसी रहती हैं, 400 पोस्ट ऐसी रहती हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो काम की रहती हैं आपके, बाकी जो नीचे वाले ग्रेड की जॉब रहती हैं उनको एस्पिरेंट दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। तो यानी कह सकते हो 5.5 लाख एस्पिरेंट्स में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको 400-500 जॉब आपकी ठीक ठाक मिली, तो आप कह सकते हो सक्सेस रेट 0.1% है, ठीक है, 0.1%। और अगर टोटल पोस्ट देखोगे तो 0.2% लगा सकते हो, तो बाकी के 99.9 या बाकी के 99.8 एस्पिरेंट कहाँ गए। हमारा मानना यह है कि जो भी एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, यानी हर साल 10-12 हज़ार एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, वो तो सीरियस होते ही होते हैं, साथ में कम से कम 50 से 60 हज़ार एस्पिरेंट, जितना हमारा मानना है 50 से 60 हज़ार एस्पिरेंट ऐसे सीरियस होते हैं भिंड तरीके से, ठीक है, उनका प्रीलिम्स किसी वजह से नहीं हो पाता है, कुछ हो सकता है लक हो या कुछ सिली मिस्टेक हो गई हो या उनका दिन खराब हो, इस वजह से हो सकता है रीजन, चलो ये भी हटा दो। आईएएस कितने बने, 180, आईपीएस वगैरह 200 के आसपास, यानी कुल मिला के आपके 1000 पोस्ट हैं, 1000 पे सिलेक्शन हो गया, बाकी के जो 10-11 हज़ार एस्पिरेंट रह गए उन्होंने भी तो प्रीलिम्स को क्लियर किया था, उन्होंने भी तो मेंस को क्लियर किया था, उनका क्या हुआ, उनका तो कुछ हुआ नहीं है। जब उनका कुछ हुआ नहीं है तो इसका मतलब तो वो नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं थे, होशियार नहीं थे, हार्डवर्किंग नहीं थे, 5.5 लाख की भीड़ को क्रॉस करते हुए आए हैं, लाखों की गिनती को उन्होंने हज़ारों में कन्वर्ट किया है, ठीक है, हज़ारों को में आके खड़े हुए हैं और उनमें से भी किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है जो हम मान के चलते हैं सक्सेस रेट, इसमें बहुत कम है, इस वजह से आपको प्लान बी को सोचना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, जैसे मान के चलो इसमें कम से कम आपको 3 साल लगते हैं, जैसे 1 साल तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने में चला जाता है, 1 साल सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएससी के पेपर देने में चला जाता है। पहले प्रीलिम्स होगा जून के आसपास, फिर आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास मेंस होगा, फिर 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जनवरी फरवरी मार्च में आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तो पूरा 1 साल का प्रोसेस हो जाता है। और आपको फैक्ट बता दें, 90 से 95% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, इसको समझ के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम आपको डरा रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आज नहीं समझोगे फेल होने के बाद समझोगे, तो पहले से समझ के चलोगे तो दिमाग में सेट रहेगा और दिमाग ठीक रहेगा, जब फेल भी हो जाओगे तब आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पहले से पता था ना,
परेशानी किसको होती है, दुख किसको होता है, जिसको ये पता रहता है कि ये इजी है मैं निकाल दूंगा। जब आपका फर्स्ट टर्म सिलेक्शन नहीं होगा तो आप सेकंड के लिए तैयारी करोगे, तो कम से कम आपके 3 साल का साइकिल पूरा हो जाता है ये। यानी आप मिनिमम 3 साल तो आपको लगने लगने हैं, फिर आगे 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। तो एक जो ड्यूरेशन है ना प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको प्लान भी रखना चाहिए। एक पॉइंट और है, देखो ये जो चीज़ है ना इसको हमने पूरा लिख रखा है, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, हमने पूरे स्क्रिप्ट को इसको लिख रखा है, हम उसमें फोटोग्राफ डाल देंगे, आप वहाँ से देख लें। सबसे बड़ा जो रीज़न है हमें जो लगता है वो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट। जैसे मान के चलो पिछले साल प्रीलिम्स कब हुआ था, 5 जून को, उसका रिजल्ट आया है अभी 23 तारीख को, 23 मई को, यानी पूरे 1 साल बाद इसने प्रीलिम्स को बताया है। मान के चलो कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी और प्रीलिम्स को दे दिया और उसका रिजल्ट 1 साल बाद आ रहा है, तो वो अगले साल तक क्या करेगा, ये सोचेगा कि ज़्यादा प्रीलिम्स का पेपर आ रहा था इसमें लग लूँ। अगर उसने आज प्रीलिम्स दिया है और कुछ टाइम बाद ही उसका रिजल्ट आ जाता है विद मार्क्स, उसको पता पड़ेगा कि मेरी कितना कमी है, मेरा कितना गैप है। मान के चलो 90 पर कट ऑफ जा रही है और उसके मार्क्स आ रहे हैं 25, 30, 40, तो उसको समझना पड़ेगा कि मुझे इसमें कितना हार्ड वर्क देने वाला है, मैं इसमें जाऊं भी या ना जाऊं, कूदूं इसमें या नहीं कूदूं। तो ये थोड़ा सा एक एग्जाम डिले वाला प्रॉब्लम हमें लगती है। तो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी कम है, हर साल 1800 रहती हैं, करीब थोड़ी सी कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है, 1800 हम नंबर लेके चल रहे हैं मोटा मोटा, तो 1800 कहाँ पे 5.5 लाख एस्पिरेंट। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली के प्लान बी को हमें क्यों रखना चाहिए, ये वो फैक्टर्स हैं जिन वजह से आपको प्लान बी को जरूर अपने दिमाग में सेट करके रखना चाहिए। और आप एक अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो यूपीएससी के लिए अफोर्डेबल प्राइस पर हो, तो हम आपको PWLIS को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इस बार इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। हमने PW के यूट्यूब चैनल पर जाके काफ़ी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू को देखा एंड उसके बाद में आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आप PW को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप रिजल्ट को देख ही रहे हैं। देखिए इनके जो कोर्सेज हैं 2024-25 के लिए, प्रहार, टाइटन एंड संकल्प, जिनकी कीमत 9000 और 11000 है, उनमें आपको सीधे सीधे 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में खजाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में अगर आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको सीधे 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि पहले प्रतिज्ञा दिवस का ये ऑफर सिर्फ 25 मई तक था, लेकिन अभी इसको 1 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जिसने भी अभी तक नहीं लिया था कोर्स तो वो ले सकता है। एक चीज़ और, PW ने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सेलेक्ट 360 के नाम से अपना प्रीमियम कंटेंट भी लॉन्च किया है, जिसमें उनकी सारी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे, खजाना प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, टेली मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपके कंप्लीट प्रिपरेशन करा देगा A to Z, इसके बाद में कुछ भी नहीं छूटने वाला। और जो भी एस्पिरेंट सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी PW की जो संपूर्ण बुकलेट है आप उनको अमेजोन से परचेस कर सकते हो, प्राइस ये रहे एंड लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, जरूर चेकआउट करना वीडियो देखने के बाद में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो मुखर्जी नगर में रह के UPSC की तैयारी कर रहे हैं और जिनको कम से कम 5-5, 6-6 साल हो गए, उनका क्या एक्सपीरियंस है। हमने पर्सनली उनसे मिले हैं, हमारे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं और हम तो इस फील्ड में पिछले 5 साल से हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। जो लोग यहाँ पे दिल्ली में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, करोल बाग इन सब में रहते हैं ना, पहली बात तो यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए एस्पिरेंट रहते हैं। जो नेचुरल खुशी रहती है ना वो तो काफ़ी कम एस्पिरेंट्स के मुँह पर रहती है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन ही भरा रहता है। आप एक चीज़ समझ के चलो, आप अंदर से कितने पॉजिटिव हो, जब 100 में से 99.9 एस्पिरेंट्स फेल होंगे तो फेल होने वाले कहाँ के होंगे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के होंगे। और जब वो फेल होंगे और हो सकता है वो आपसे होशियार हों, तो आपको भी डिमोटिवेशन आ जाएगा कि ये एस्पिरेंट फेल हो रहा है तो इतनी हार्ड वर्क करने के बाद में तो मेरे भी हो सकता है चांसेस में भी फेल हो जाऊं। तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट रहता है यहाँ पे रहने का। दूसरा क्या है, हमने यहाँ के एस्पिरेंट से काफ़ी ज़्यादा बात करी है, उनसे देखा है 5-6 साल के बाद में ना टूट जाता है एस्पिरेंट, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब हमें और कोई जॉब वगैरह देखनी चाहिए, 1-2 साल और इसमें अटेम्प्ट देख ले रहे हैं। यानी पिछले 4-5 साल उसने अपनी जवानी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम इसमें इन्वेस्ट किया, हर एक चीज़ छोड़ी, अपने रिलेशन छोड़े, अपनी फैमिली छोड़ी, अपना सेहत छोड़ी, अपने जो एम्बिशंस थे वो छोड़े, हॉबी छोड़ी, पता नहीं क्या क्या त्याग किया। उसके बाद में जो उसकी लाइफ का प्राइम टाइम है, जो कभी लौट के नहीं आने वाला, उसको जाने के बाद में वो सोचता है कि चलो एक बार और देख ले रहा, हो गया तो ठीक, अदरवाइज दूसरे जो प्लान्स हैं, दूसरी जो जॉब वगैरह हैं, कोई जॉब वगैरह ले ले रहे हैं। ये चीज़ रियलिटी है, आप आज नहीं समझोगे बाद में समझोगे, जब भी समझोगे लेकिन ये आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप रियलिटी से जागरूक रहो। ये वीडियो इसलिए हमने बोला था, कोई डिमोटिवेशन के लिए नहीं है, आपकी आँखें खोलने के लिए। आप धीमे धीमे, क्योंकि आपको ना दूसरों से सीखना चाहिए,
दूसरे क्या गलती कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। आप सारी चीज़ें खुद से सीखने लगोगे, दूसरों से नहीं सीखोगे, तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। और इंसान चाहे सबको बेवकूफ़ बना ले, चाहे सबसे झूठ बोल ले, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो रियलिटी है, रियलिटी चेक जरूर होना चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस किया प्लान बी होता क्या है, क्यों जरूरी होता है, और जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी एस्पिरेंट करते हैं या जो अपने घर पर रह के भी करते हैं उनकी क्या कंडीशन हो जाती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसका पार्ट टू हम अपलोड करेंगे चैनल पे, या तो आज शाम को कर देंगे या कल सुबह कर देंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लान बी के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप किन किन प्लान बी को रख सकते हो, दूसरा किन किन एस्पिरेंट्स को आईएएस की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, प्लान बी किन किन को जरूर रखना चाहिए, तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पूरी स्क्रिप्ट को देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे हम इसका पूरा फोटोग्राफ डाल देंगे, आप वहाँ से इसको देख लेना। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके 2425 के लिए जो गाइडेंस वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो, एंड राइट वीडियो क्लिक करके जो भी नोट्स रिव्यू वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।